हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रामबाण सीरीज़ है। इसके पहले हमने लगभग कम से कम 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं वीडियो में। बाकी ये है 100 प्रैक्टिस सेट का सेट है। अगर आप इसको परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट है। इसमें 11,000 MCQ हैं, 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी 1399 प्लस कोरियर चार्ज है। बहुत ही शानदार टेस्ट हैं। हर स्टूडेंट को जो PSC की तैयारी कर रहा है वो ये टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 72 है, जो प्रैक्टिस सेट में टेस्ट नंबर 72 पर टेस्ट 70 से 80 तक करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्रबंध संस्थान IIM की स्थापना 1996 में हुई थी। IIM इंदौर का निदेशक नियुक्त किया है प्रोफेसर हिमांशु राय को। IIM इंदौर का निदेशक किसको नियुक्त किया है? हिमांशु राय को। अगला है, मध्य प्रदेश में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ कब किया गया? 12 जनवरी 2024 को भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ग्वालियर के ऐतिहासिक व्यापारिक मेले में कितने प्रतिशत RTO छूट का नोटिफिकेशन जारी किया था? 50% छूट का नोटिफिकेशन जारी किया था। 1 जनवरी 2024 को खरगोन जिले में 132वां नवग्रह मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो मोहन यादव ने किया है। मोहन यादव जो कि 19वें सीएम हैं मोहन यादव, और व्यक्तिगत देखा जाए तो ये 20वें हैं। और नवग्रह मेला कहाँ लगता है? नवग्रह मेला खरगोन में लगता है। कौन सी खिलाड़ी मध्य प्रदेश बेसबॉल बालिका टीम की कप्तान बनी है? स्नेहा सर जो सेन है वो बेसबॉल बालिका टीम की कप्तान बनी है। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र ने संयुक्त रूप से 27वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन रविन्द्र नगर भोपाल स्थित किस सभागृह में किया? तो अंजनी सभागृह में किया। याद रखना, ये अंजनी सभागृह कहाँ है? रविंद्र भवन में है। और यहाँ पर 27वां युवा उत्सव हुआ। याद रखना, युवा उत्सव कौन सा हुआ? 27वां रविंद्र भवन के अंजनी सभागृह में हुआ। अगला है, हैदराबाद में आयोजित 42वां अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश में कौन सर्वश्रेष्ठ राइडर बनी है? 42वीं अखिल भारतीय पुलिस जो घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई थी उसमें अवंती लोधी बनी है। अगला है, हाल ही में केला प्रसंस्करण में विशेष कार्य करने हेतु किस जिले को नेशनल ODOP मतलब एक जिला एक उत्पाद अवार्ड सेरेमनी फॉर 2023 से सम्मानित किया गया? बुरहानपुर। केला जो है बुरहानपुर का एक जिला एक उत्पाद है। याद रखना, केले के इसके लिए केला निर्यात भी किया जाता है और केले के चिप्स वगैरह भी बनाकर यहाँ से निर्यात किए जाने लगे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में मध्य प्रदेश की पहली और देश की 35वीं माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की जा रही है? भोपाल में पहली माइक्रोबायोलॉजी मध्य प्रदेश की और भारत की 35वीं स्थापित की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित राज्यों की सांस्कृतिक वैभव और विकास को दर्शाने वाली झांकियों में मध्य प्रदेश की झांकी की क्या थीम थी? आत्मनिर्भर नारी। क्या थी? आत्मनिर्भर नारी। 26 जनवरी को जो मध्य प्रदेश की रैली निकली थी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में, वहां पर मध्य प्रदेश की जो थीम थी वो आत्मनिर्भर नारी थी। जनवरी 2024 को नवगठित मध्य प्रदेश सरकार की पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। और यहीं पर जो है अन्नश्री अन्न योजना, अवंतीवाई योजना, इस प्रकार की योजना भी आरंभ की गई थी। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम द्वारा बाघ महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में स्थित मृगनैनी कबीरा शोरूम में किया गया? भोपाल में स्थित मृगनैनी कबीरा शोरूम में किया गया। श्री महाकाल लोक परिसर में देश का पहला स्वस्थ स्वच्छ हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किसने किया है? मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। इन्होंने उज्जैन में देश का पहला फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया। बहुत सबसे बड़ा है ये, विशाल है देश में, और स्वस्थ है, स्वच्छ है और हाइजीनिक है। फ्रेंड्स, ये जो हमारे जो इसके जो नीचे दिए हुए हैं, हमने जो हमारे टेस्ट सीरीज़ है, जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे अगर आप परचेस करते, तो हर पेज के नीचे ऐसे आंसर दिए हुए हैं, तो आपको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ही आपको आंसर मिल जाएंगे। हाल ही में BCCI द्वारा आयोजित Under-23 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब मध्य प्रदेश ने किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो दिल्ली को हराकर अपने नाम किया है।
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश की पहली और देश की 8वीं सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इंदौर में किया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला और विश्व का तीसरा वाटर स्कूल खोला जाएगा? खजुराहो में भारत का पहला और विश्व का तीसरा वाटर स्कूल खोला जाएगा। याद रखना, कहाँ पे खोला जाएगा? खजुराहो में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विकसित मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग ऐप मनहित ऐप को किसने जारी किया है? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने जो मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग ऐप है मनहित को जारी किया। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने साइबर अपराधों की मुक्ति के लिए पुलिस थानों में कितनी साइबर डेस्क खोलने का निर्णय लिया है? 1000 साइबर डेस्क खोलने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय मोगली उत्सव 2024 किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया? राज्य स्तरीय मोगली जो उत्सव है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आरंभ किया गया। कहाँ पे किया गया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो उद्यान बनाया गया था वो 1983 में बनाया गया था और ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले में आता है। इसको इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क भी कहा जाता है और 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी लागू किया गया। अगला है, प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर का नया नाम किसके नाम पर रखा गया? आचार्य सुश्रुत। ये देश की एकमात्र मेडिकल, मध्य प्रदेश की पहली एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है जबलपुर, और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुश्रुत के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पहली बार वास्तुशास्त्र कोर्स आरम्भ किया गया है? वास्तुशास्त्र कोर्स आरम्भ किया गया है जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन गया है? इंदौर बन गया है, और इंदौर के साथ ही सूरत, मतलब इंदौर प्लस सूरत को दोनों को कंबाइन ही सबसे पहला पुरस्कार मिला है। अगला है, हाल ही में जल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए नवाचार के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा एक्सीलेंस प्रदान किया, किसको दिया गया जल विज्ञान में नवाचार के लिए एक्सीलेंस पुरस्कार? हमारे मध्य प्रदेश को दिया गया। मध्य प्रदेश का पहला और देश का 6वां चिड़ियाघर जहां पर अफ्रीकन जैबरा को पुनर्जीवित किया गया है वो कहां पर है? तो कमला नेहरू चिड़ियाघर में है। ये कमला नेहरू चिड़ियाघर कहां पर है? कमला नेहरू चिड़ियाघर जो है वो इंदौर में है। अगला है, हाल ही में कौन सी ग्राम पंचायत डिजिटल भुगतान करने वाली मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है? ग्राम पंचायत छिंदगांव तमेली जो है पहली ग्राम पंचायत बन गई है डिजिटल भुगतान करने वाली। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है, अपना नंबर मेरे पास सेव नहीं करा है तो करा दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू भी आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य लघुपज वनोपज संघ द्वारा 5 दिवसीय राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में किया गया था। कहाँ पे किया गया? भोपाल में ही किया गया। भोपाल में ही ध्रुपद समारोह भी भोपाल में ही होता है, ये भी याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं ध्रुपद समारोह कहाँ होता है? भोपाल में ही होता है। अगला है, 17 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश से किस लोकसभा सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ये सुधीर गुप्ता को दिया गया है। ये मंदसौर से लोकसभा सांसद थे। कहाँ से? मंदसौर से थे और इनको सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी से 20 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? भोपाल शहर में किया गया है 14 से 20 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का आयोजन। हाल ही में देश के 16,955 थानों की जारी रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा थाना टॉप 10 में शामिल हुआ है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा थाना टॉप 10 में शामिल हुआ है? देवास हुआ है। देवास सिविल लाइन जो थाना है वो टॉप 10 थानों में शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क बनाया जा रहा है? भोपाल में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? भोपाल में बनाया जा रहा है पहला अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क। मध्य प्रदेश के किस ग्राम में बायो क्लॉक विधि से मोती बनाने वाला प्रदेश का पहला सेंटर स्थापित किया गया है? नौलखा गांव रतलाम में किया गया है।
हाल ही में इमर्जिंग स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया की जारी सूची में इंदौर शहर का देश में कौन सा स्थान रहा है? इंदौर शहर का देश में 7वां स्थान रहा है इमर्जिंग स्टार्टअप हब की सूची में। हाल ही में जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में मध्य प्रदेश को किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? स्टेट लीडर में मिला है। याद रखिएगा, लीडर कैटेगरी में मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है स्टार्टअप रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश का गरीबी उन्मूलन में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का गरीबी उन्मूलन में 3रा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान बिहार का है। गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है, पहला उत्तर प्रदेश का है और दूसरा बिहार का है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान का अपर आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो इसको किया गया है आदिम जाति का किया है लक्ष्मण सिंह मरकाम को। किसको किया है? लक्ष्मण सिंह मरकाम को किया है। बीरा राणा दूसरी महिला सचिव बन गई हैं। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। अगला है, हाल ही में दीव में आयोजित भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। पहले बीच गेम्स हुए थे, ये दीप में हुए थे, दमन और दीप के दीप में। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? संजय उपाध्याय को बनाया है। किसको? संजय उपाध्याय को। नासिक शहर में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 में भोपाल की उमा वर्मा ने लोकगीत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान भोपाल की उमा वर्मा ने 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्राप्त किया है। कौन सा राज्य जंगल की आग को आपदा मानने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश जंगल की आग को आपदा मानने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया? गंधर्व समारोह हमेशा से देवास में ही होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की अवनीश तिवारी को किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया? सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया। और ये जो अवनीश तिवारी हैं ये इंदौर के हैं, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन 2023 के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। जो मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो 1981 में बना और इसको स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। अगला फ्रेंड्स, इस नंबर पर अपना नंबर ज़रूर सेव करवा दीजिएगा। और आपको अगर हमारे प्रैक्टिस सेट लेना है, मैं आपको 3 चीज़ें करने का बोल रही हूँ अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बचे हुए दिन में। एक मेरी जो फटाफट सीरीज़ है जो मैं करवा रही हूँ वीडियो पे, एक मेरी वाई सीरीज़ है जिसको सुपर 30 सीरीज़ बोलते हैं। इसमें संपूर्ण टॉपिक, कोई भी टॉपिक करा रही हूँ अगर मैं वाई सीरीज़ में, तो आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस वही टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक में। इसके अलावा ये मेरा जो प्रैक्टिस सेट है 11,500 MCQ का जो मैं अभी वर्तमान में आपको वीडियो बना रही हूँ, तो ये तीनों ही आपको करना है। मेरा जो प्रैक्टिस सेट है 11,500 MCQ का, उसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी मिलेगा। उस ग्रुप में मैं वाई सीरीज़ की PDF, फटाफट सीरीज़ की PDF, करंट अफेयर्स की PDF सारा कुछ आपको अवेलेबल कराती हूँ। पोल करा रही हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वन लाइनर दे रही हूँ एक एक करके, जैसे कि तुरंत तुरंत याद होते जाएं। तो जिन लोगों ने भी हमारा प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 499 हमें आप उसकी सॉफ्ट कॉपी पूरे 11,500 MCQ मिल जाएंगे और साथ में आपको ग्रुप भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खनिज संसाधन विभाग द्वारा किस राज्य को भारत में खनिज मिलाकों की नीलामी में प्रथम स्थान पाने के लिए अवार्ड मिला है? मध्य प्रदेश को मिला। किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रोफेसर मधुकला शुक्ला को 11वीं हिंदी रक्षक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रबंधक मिलिंद कनमणिकर का निधन हो गया है, वे मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन में किस पद पर रहे हैं? सचिव पद पर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश का पहला वल्चर रेस्टोरेंट खोला जा रहा है? वीरांगना जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि 7वां टाइगर रिजर्व है, दमोह में है ये, या ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सबसे बड़ा उद्यान है। इधर ही पर ही पहली वल्चर रेस्टोरेंट भी खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों विकास के लिए कितने जिलों में 201 बंधन केंद्र खोले जाएंगे?
18 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति हैं बैगा भारिया और सहरिया। ये तीन जनजाति हैं बैगा भारिया सहरिया, ये विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। जो तीन विशेष पिछड़ी जनजाति हैं मध्य प्रदेश की, इनके लिए 201 बंधन केंद्र खोले जाएंगे 18 जिलों में। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में किन दो विभागों की विलय की स्वीकृति दी गई है? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग, ये दोनों विभाग अब मिल जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक तनवीर मुद्रा ने दिलाया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित तारामंडल परिसर में मध्य प्रदेश का दूसरा उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र खोला जा रहा है? उज्जैन में खोला जा रहा है दूसरा, और पहला तारामंडल क्षेत्र परिसर था भोपाल में। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कौन से शिक्षण संस्थान को खोलने का निर्णय लिया है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने का निर्णय लिया है सभी जिलों में। हाल ही में भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए मध्य प्रदेश की कितनी विभूतियों का चयन किया गया है? पद्मश्री के मध्य प्रदेश की 4 को मिला है। एक तो मिला है ओम प्रकाश शर्मा को, याद रखिएगा, एक किसको मिला है? ओम प्रकाश शर्मा को, माच गायन के लिए मिला है ओम प्रकाश शर्मा को, उज्जैन के हैं ये। एक भगवान राज पुरोहित को मिला है मालवा संस्कृति के लिए, भगवान राज पुरोहित को मिला है। दूसरा मिला है कालूराम को, तीसरा मिला है कालूराम को, कालूराम देवास के हैं, कबीर गायन के लिए मिला है। और चौथा मिला है सत्येंद्र सिंह लोहिया को। इस प्रकार से ये अवार्ड इनको 4 लोगों को मध्य प्रदेश से पद्मश्री दिया गया है। हाल ही में BCCI द्वारा मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2022-23 के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है वैष्णवी शर्मा को। ये वैष्णवी शर्मा कहाँ की हैं? ये वैष्णवी शर्मा भोपाल की हैं। मध्य प्रदेश में सांची के बाद किन शहरों को सोलर सिटी बनाया जाएगा? सांची सोलर सिटी बन गई है, उसके बाद बनाया जाएगा इंदौर को, भोपाल को और उज्जैन को, इन तीनों को ही बनाया जाएगा। हाल ही में किन राज्यों के बीच जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश के हुए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश से कौन सी खिलाड़ी भारतीय सेना में महिला सूबेदार बनी है? पहली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीति रजक बनी है भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिएगा, पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। भारत निर्वाचन आयोग ने किस जिला की पंचायत CEO को विधानसभा चुनाव 2023 के कार्य संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है? तो निवाड़ी जिला के CEO को किया है। किसके? निवाड़ी जिले के CEO हैं रोहन सक्सेना, उनको सम्मानित किया है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निर्वाचन आयोग ने। शोध आधारित देश का पहला IIT सैटेलाइट परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? उज्जैन में किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स के लिए किस विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार मिला है? सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार मिला है। 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह पर वीटिंग द रिट्रीट का आयोजन नई दिल्ली के अलावा किस शहर में किया जाता है? तो भोपाल में किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश का पहला प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क जो शिलान्यास है वो इंदौर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? उज्जैन में स्थापित हुई है पहली वैदिक घड़ी। चेन्नई में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश से जो स्वर्ण पदक जीता है वो तनवीर मुद्रा ने जीता है खेलो इंडिया में। भोपाल में, तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, ये भी याद रखना। भोपाल में गणतंत्र दिवस की परेड में मध्य प्रदेश की प्रगति तथा विकास हेतु योजनाओं के दर्शन हेतु किस विभाग की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला है?
तो ये कुटीर और ग्रामोद्योग की विभाग की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला। ये भोपाल में जो आयोजित हुई थी, वो 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुई थी, वो आत्मनिर्भर भारत मना रही थी, उसकी थीम। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति योजना 2022 में संशोधन कर एक स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी बार वित्तीय सहायता दी जा सकती है? एक बार वित्तीय सहायता दी जा सकती है। 2 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस वेटलैंड पर विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये सिरपुर जो वेटलैंड है इंदौर में, यहाँ पर विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम किया गया है। मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल हैं और रामसर स्थलों की सूची में मध्य प्रदेश को 6वां स्थान मिला है, ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीरता पदक के लिए मध्य प्रदेश से कितने पुलिस अधिकारियों के नाम की घोषणा की? अंशुमन, अतुल कुमार शुक्ला और मनोज कुमार कापसे, ये तीनों की ही घोषणा की है। इंदौर शहर का नया पुलिस कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? राकेश गुप्ता को किया है। पहले मकरंद देउस्कर थे, लेकिन अब वर्तमान में राकेश गुप्ता को इंदौर शहर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। किसको? राकेश गुप्ता को। 21 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया गया? केले का कहीं भी नाम आए बुरहानपुर लगा दीजिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा किस चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच को देश की सर्वश्रेष्ठ ब्रांच का अवार्ड मिला है? देश की सर्वश्रेष्ठ ब्रांच का अवार्ड मिला है इंदौर को। RCVP नरोना प्रशासन एवं प्रबंधी अकादमी भोपाल का महानिदेशक किसको बनाया है? विनोद कुमार को बनाया है। मध्य प्रदेश में स्काई डाइविंग फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है उज्जैन में। कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले के उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है? तो ये रीवा के हैं, ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी बन गए हैं और ये मध्य प्रदेश के रीवा रीवा में हैं। खजुराहो नृत्य समारोह के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो खजुराहो का हाल ही में 50वां संस्करण किया गया है। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपति पद का नाम बदलकर क्या किया गया? कुलपति को किस नाम से जाना जाएगा? कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। 2024 को भिंड जिले में अटेर महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो भिंड जिले में किसका आयोजन किया जा रहा है, किस संस्करण का? दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। नैक की A++ ग्रेड पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला शासकीय विद्यालय कौन सा है, जो जिसने A++ ग्रेड पाई है? होलकर साइंस कॉलेज इंदौर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सुपर 100 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के। ऐसे 2 वीडियो और कराऊंगी, उसमें आपको यही शानदार शानदार वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत ही सुपर डुपर ये श्रृंखला है और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। जो भी इसको परचेज करना चाहता है 499 में इसको परचेज कर सकता है। अगला है, राज्यपाल अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने सोलर टूफ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 75,000 सोलर टूप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बेहतर व्यवस्था व रख रखाव के लिए किस जिले के विजय राघोगढ़ और कैमूर थाने को ISO अवार्ड दिया गया है? कटनी के जो थाना है उसको दिया है। 8 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट में अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 30,265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में तैराकी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश से किसने रजत पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश से कन्या नागर ने जीता है, याद रखना ये तैराक है। मध्य प्रदेश में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में मोदी जी ने क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कहाँ पे की? तो टंट्या भील जो विश्वविद्यालय है वो खरगोन में खुलेगा। हाल ही में मोहन यादव ने मुख्य अतिथि में महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में किया गया। हाल ही में नई दिल्ली में 96वें स्कॉच समिट में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ग्रामीण पर्यटन के लिए टूरिस्ट श्रेणी में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो मध्य प्रदेश को टूरिज्म श्रेणी में
सिल्वर अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? सिल्वर अवार्ड मिला है। फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ये हमारा MPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है जो मैं बता चुकी हूँ आपको, आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में एक ग्रुप भी फ्री मिलेगा जहाँ हमारे वीडियो की PDF मिलेंगी। ये हमारा पेपर 4 का मेंस का पैकेज है। मेंस का पेपर 4 रेडी हो गया है। सुपर डुपर क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। फ्लो चार्ट डायग्राम सहित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने ये मेंस के नोट्स को कवर किया। इसके साथ ये 2 मार्कर मिलेगी, 500 प्लस 2 मार्कर हैं। इस तरह से हैंड रिटन नोट्स फ्लो चार्ट डायग्राम सहित कवर हैं। ये हमारे MPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की भी तैयारी करने वाले हैं तो आप हमारे ये नोट्स प्लस हमारा प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए और साथ में हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। आपका प्रीलिम्स 100% निकलेगा, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में आयोजित दूसरी इंडिया ताइक्वांडो जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीता है? मध्य प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो मानसी कोरी, अभिनव शर्मा, कनिष्का शर्मा, सभी लोगों ने जीता है। भोपाल में आयोजित नेशनल कायाकिंग कैनोइंग महिला पुरुष जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश बना है। 16-18 फरवरी तक मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा जश्न उर्दू कार्यक्रम की थीम क्या रही है? साहित्य में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है? मध्य सबसे पहला से जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है मध्य प्रदेश में। किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो नर्मदा जीवाश्म जो संग्रहालय स्थापित किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये राला मंडल में किया गया है। राला मंडल संग्रहालय जो है, राला मंडल अभ्यारण्य जो है, इंदौर में है और यहीं पे नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया गया है। पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी यही राला मंडल में बना है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने गुना में कौन सा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? तात्या टोपे में खोलेगा गुना में, याद रखना, तात्या टोपे गुना में खोलेगा, अवंती बाई लोधी सागर में खोलेगा और टंट्या भील खोलेगा खरगोन में। ये 3 विश्वविद्यालय नए खोलने के निर्णय लिए गए हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा जल संरक्षण के लिए जल हट अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय महिला बाल विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़े जनजाति में कितने नवीन आंगनवाड़ी केंद्र को स्वीकृति दी है? 194 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। ये फ्रेंड्स ये आंगनवाड़ी के जितने केंद्र खोलेंगे उतनी ही वैकेंसी सुपरवाइजर में आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के उपमंत्री राजेंद्र शुक्ले ने प्रदेश में कहाँ और कितनी क्षमता के वेस्ट टू एनर्जी विद्युत प्लांट का उद्घाटन किया है? रीवा में किया है, 6 मेगावाट का। कहाँ पे किया है? रीवा में 6 मेगावाट का किया है। 1 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश में कहाँ डेयरी खाद्य पदार्थ एग्रीकल्चर और धार्मिक पर्यटन के उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है? तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, पहले उज्जैन में होता था लेकिन अभी इंदौर में हुआ है। मध्य प्रदेश में किस विद्यालय में PM ऊषा योजना का शुभारंभ किया गया है? बरकतुल्ला भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? R.K. हिंगड़कर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किया है। खजुराहो नृत्य समारोह में कितने नर्तकों ने एक साथ नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है? तो ये 1484 लोगों ने नृत्य करके बनाया है। हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन में मध्य प्रदेश से L.Murugan को निर्वाचित किया गया है। ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। 50वें खजुराहो नृत्य समारोह में मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला में किसको पुरस्कार नहीं दिया गया है? इनमें से कौन ऐसा सम्मिलित नहीं है? तो सैयद हैदर राजा मानिकपुरी को दिया गया, दत्तात्रेय दामोदरे अनूप से भरे को दिया गया, राम मनोहर सिन्हा शिखर गोयल को दिया गया। ये 3 सही हैं लेकिन रघुनाथ कृष्ण राव फड़के अनुराग जड़िया को नहीं दिया है, ये दिव्या व्यास को दिया गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनवन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बना है? देश का पहला आवास शिवपुरी में बना है। 1 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? उज्जैन में हुआ है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा स्कूलों की गुणवत्ता के आधार पर की गई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम आया है? छतरपुर प्रथम आया है। जितने भी शिक्षा की रैंकिंग की गई है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला
वीर भारत संग्रहालय का निर्माण किया गया है छतरपुर में, सॉरी वीर भारत संग्रहालय का जो निर्माण हुआ है वो उज्जैन में हुआ है। वीर भारत संग्रहालय कहाँ पे बना है? वीर भारत संग्रहालय भारत में बना है। अगला है, ग्रेटर नोएडा में देश की प्रमुख ट्रैवल प्रदर्शनी में किस राज्य को बेस्ट टूरिज्म स्टेट अवार्ड मिला है? मध्य प्रदेश को ही बेस्ट टूरिज्म स्टेट अवार्ड मिला है। कौन सा राज्य वन हेल्थ पॉलिसी, ये हेल्थ है, वन स्टेट्स वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। चौथी खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश से किसने कुश्ती स्पर्धा में 74 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 74 किलो भार वर्ग में जीता है गोवर्धन जाट ने। प्रधानमंत्री ईवस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने नगरीय निकायों में 552 ईवस का संचालन किया गया है? 6 नगरीय निकायों में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किसे संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है? कलापनी कोमकली को दिया गया है। किसके द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला है, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाल कवि बैरागी की रचना है। फ्रेंड्स, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मुझे भी कहीं कहीं से भी इकट्ठे करके मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।